हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आर सी आई एजू हब ऑनलाइन क्लासेज। सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर 25, एक्सरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का उत्सर्जन तंत्र, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो मानव वृक्क की आंतरिक संरचना, ओतिकी, हिस्टोलॉजी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी आज का टॉपिक है। इसमें वृक्क जो होता है इसके चारों ओर आवरण पाया जाता है, चारों ओर, ये वृक्क है, वृक्क के चारों ओर आवरण है जिसे वृक्क आवरण कहा जाता है, ये वृक्क आवरण कहलाता है, वृक्क आवरण। इसका निर्माण जो होता है वो संयोजी उत्तकों के द्वारा होता है, यानी कि संयोजी उत्तकों से मिलकर इसके चारों ओर एक आवरण बनता है, उस आवरण को वृक्क आवरण कहते हैं। इसके दो भाग हैं, एक होता है वल्कुट, कॉर्टेक्स, दूसरा जो भाग है वो मध्यांश, मेडुला। दो पार्ट हैं, सबसे पहले हमें वल्कुट पढ़ेंगे। वल्कुट के अंदर या कॉर्टेक्स जो होता है ये बाह्य आवरण है, कि जो आवरण बना है वृक्क आवरण जो है उसके बाहर की ओर जो पाया जाता है, यानी वृक्क आवरण के जस्ट अंदर के साइड, ये वाला पार्ट जो है ये वल्कुट कहलाता है, यानी कि वृक्क आवरण का बाह्य भाग वल्कुट कहलाता है, ये बाहर की साइड पाया जाता है। वल्कुट जो होता है ये अंदर की साइड थोड़ा धंसा हुआ रहता है, जो वल्कुट है ये थोड़ा अंदर की साइड धंसा हुआ रहता है जी, जैसे ये इसमें धंस गए। अंदर की साइड जो है, अभी अपन ने वल्कुट पढ़ा बाह्य भाग वल्कुट, तो आंतरिक भाग जो होगा वो मेडुला होता है, मध्यांश। तो यहाँ से ये बाह्य भाग जो है वो इसके आंतरिक भाग के अंदर थोड़ा धंसा हुआ है, यहाँ से बाह्य भाग वल्कुट होता है और अंदर किस में धंसा हुआ है, ये मेडुला के अंदर। तो इस भाग को जो इसमें धंसा हुआ है इसको बर्टनी के स्तंभ बोलते हैं, वृक्क का कुछ भाग जो होते हैं वो उभार लिए हुए होते हैं जो मध्यांश में धंसे रहते हैं, उन्हें बर्टनी के स्तंभ कहा जाता है, इनको बर्टनी के स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वल्कुट भाग के अंदर सबसे पहले यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो वृक्क जो नलिका होती है जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, वृक्क नलिका या फिर नेफ्रॉन, आपने पिछली कक्षाओं के अंदर पढ़ा हो तो नेफ्रॉन के जो भाग होते हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेफ्रॉन की संरचना के अंदर हम पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है इसका मेलपीगी काय, सेकेंड भाग जो होता है वो ग्रीवा, थर्ड भाग जो होता है वो समीपस्थ, कुंडलित नलिका, फिर फोर्थ जो होता है वो इसके अंदर हेनले का लूप होता है, आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। फिफ्थ जो है वो दूरस्थ कुंडलित नलिका, सिक्स जो होता है वो संग्रह नलिका होती है,
संग्रह नलिका। हम इनकी बात कर रहे हैं यहाँ। तो वृक्क आवरण का वल्कुट भाग जो होता है उसमें इन वृक्क नलिकाओं के भाग, वृक्क नलिका के विभिन्न भाग इसके अंदर पाए जाते हैं। कुछ भाग तो होते हैं जो वल्कुट में उपस्थित होते हैं वृक्क नलिका के, और कुछ भाग जो होते हैं वो मेडुला में होते हैं। तो वल्कुट के अंदर कौन से भाग पाए जाते हैं? यहाँ से मेल्पिगी फर्स्ट, ग्रीवा ये भी इसी में पाया जाता है, समीपस्थ कुंडली ये भी इसी में पाई जाती है, इसके बाद में हेलने का लूप जो होता है ये इसमें नहीं पाया जाता, यहाँ से दूरस्थ कुंडलित नलिका इसके अंदर पाई जाती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वृक्क नलिका का या नेफ्रॉन के इसके अंदर मेल्पिगी भाग, ग्रीवा, समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं, ये चारों जो पार्ट है वृक्क नलिका के नेफ्रॉन के वो वल्कुट के अंदर स्थित होते हैं। सेकंड भाग यहां से आता है मध्यांश। यह मेडुला सेकंड पार्ट बाह्य आवरण का मेडुला मध्यांश, ये आंतरिक होता है, आंतरिक भाग है। अब यहां पे ये वाला जो भाग है, ये अंदर वाला पार्ट, ये मेडुला या फिर मध्यांश वाला भाग है। मध्यांश के भाग के अंदर बल्टनी के स्तंभ जो हैं वो धसे रहते हैं। तो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ये जो इसमें धसा हुआ है वो तो बल्टनी के स्तंभ जो कि वल्कुट का है, लेकिन इसके धसने से इसके अंदर ये जो पार्ट बना है, ये उभार जो बने हैं, ये उभार पिरामिड कहलाते हैं, को हम पिरामिड बोलते हैं। उभार ये पिरामिड, पिरामिड होते हैं। पिरामिड जो है वो यहाँ पर प्यालेनुमा संरचना में एकत्रित हैं, सभी के अंदर ये लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ ये सभी में प्याले नुमा जो संरचना होती है, इसी को हम बोल दें यहाँ से प्याले नुमा संरचना, जिसमें पिरामिड स्थित होते हैं, उस संरचना को कैलिक्स, कैलिक्स कहा जाता है। पिरामिड एक प्याले नुमा संरचना में उपस्थित होते हैं, उन संरचनाओं को कैलिक्स बोलते हैं। ये कैलिक्स जो होते हैं ये आगे चलकर सभी कैलिक्स एक जगह समूहित होकर पेल्विस में खुलते हैं, पेल्विस या वृक्क श्रोणि, जो कि हमने वृक्क की जो संरचना पढ़ी थी उसके अंदर हमने पेल्विस पढ़ा था। ये पेल्विस से जो होता है ये आगे की ओर चलकर मूत्रवाहिनी के अंदर खुलता है। यानी कि दोबारा से देखें, मध्यांश आंतरिक भाग है, इसके अंदर उभार नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि बल्टनी के स्तंभ की वजह से बनी है, पिरामिड कहलाती हैं। पिरामिड प्याले नुमा संरचना में पाए जाते हैं, इसको कैलिक्स बोलते हैं। ये कैलिक्स आगे की ओर चलकर यहाँ पर पेल्विस में खुलती है। पेल्विस जो होता है ये मूत्रवाहिनी का प्रारंभिक सिरा है, जो कि फूला हुआ होता है, जिसको हम पेल्विस बोलते हैं। इसके अंदर आकर ये खुल जाती है। इस भाग के अंदर मेडुला जो होता है, इसमें वृक्क नलिकाओं में से या नेफ्रॉन जो होते हैं उनमें उसका कुछ भाग पाए जाते हैं। नेफ्रॉन या वृक्क नलिका, इसके कुछ भाग उसमें जो बचे हुए भाग थे वो सबसे पहले इसमें हेनले लूप और संग्रह नलिका, इसमें पाई जाती है। इन दो के अलावा
जितने भी भाग हैं वो वल्कुट में पाए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर उपस्थित जो वृक आवरण है उसकी संरचना या मानव वृक की आंतरिक संरचना और ओति की संरचना जो है वो कंप्लीट होती है। धन्यवाद।